लाल बटे कक्का। एल से लाला, ए से आम, एल से लाया, के से कच्चे, ए से आम। लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम। ध्यान रखना, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम। इसका मतलब सोना, सी से चांदी, टी से तोले, सोना चांदी तोले, मतलब साइन पॉज टेन। और पी का मतलब पंडित, बी का मतलब बद्री, पी का मतलब प्रसाद, एच का मतलब हर, एच का मतलब हर, डी से बोले। अब ध्यान रखना इसके लिए, साइन कोस टेन के लिए, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है ना। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 25/8/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन है, सो दैट साइन पी माइनस कॉस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, दर्शाइए कि साइन पी माइनस कॉस क्यू बराबर ज़ीरो है, ठीक है। ये डाइग्राम है, ध्यान से देखो, इसको अगर हम सीधा बनाएंगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, आर होगा, ये क्यू होगा और ये पी होगा। ये 11 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, ठीक है, और ये कितना दे रखा है, 7, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इससे पहले फॉर्मूला आप समझो सही से। तो बच्चों, त्रिकोणमिति चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जिसका मेंशन मैं सबसे पहले यहाँ पर कर रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक में, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। तो सबसे पहले 2-4 मिनट इस पर आप फोकस करो, ठीक है। आपका आंसर तो 2 मिनट में आ जाएगा, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 ही मिनट में अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, पहले समझो कि फॉर्मूले को आप लर्न कैसे करोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये आपका हो गया ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। ये आधार है इंग्लिश में बेस यानी बी। ये कर्ण है, ये कर्ण है इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस यानी कि एच, ध्यान रखना। ये लंब है इंग्लिश में परपेंडिकुलर यानी कि पी, ध्यान में रखना। अब समझो, लंब यानी कि पी, परपेंडिकुलर एल से स्टार्ट हो रहा है लंब, एल से आधार यानी कि बी बेस, आधार ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से मान लिया। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस एच, तो कर्ण के से स्टार्ट हो रहा है, के से समझ लो, ठीक है, ध्यान रखना। तो लंब एल, आधार ए, कर्ण के, ये शॉर्टकट ध्यान में रखना आप, ठीक है। और इंग्लिश में पी बी एच ध्यान में रखना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस करो, आप इस पर फोकस करो, पहले हिंदी में। लाल बटे कक्का, एल से लाला, ए से आम, एल से लाया, के से कच्चे, ए से आम। लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, ध्यान रखना। लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, अभी इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान से देखो, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कोट होता है। अपोजिट का मतलब उल्टा। अब आपसे कोई पूछेगा साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर से देखो, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण, इस प्रकार बोलोगे, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में लंब होता है परपेंडिकुलर, कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, तो पी बाई एच आप लिख सकते हो, समझ गए। कोई पूछेगा कोस थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो आधार बटे कर्ण इसका होता है, यहाँ पर लिखा गया ए बाई के, और इंग्लिश में आधार होता है बेस और कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी अपॉन एच लिख सकते हो। कोई पूछेगा टेन का फॉर्मूला बताओ, टेन थीटा, तो टेन थीटा लंब बटे आधार, लिख दिया लंब बटे आधार, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस, पी बाई बी, समझ गए। आगे देखो ध्यान से, अब कोई पूछेगा कोसेक थीटा, तो इसको उल्टा देखना है, नीचे से ऊपर की तरफ, कर्ण आएगा बटे में लंब आएगा, इसका उल्टा हो जाता है, तो लिखोगे कर्ण बटे लंब, ये थीटा है, ध्यान रखना, ठीक है। और इंग्लिश में एच बाई पी। कोई पूछेगा सेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, नीचे की तरफ से लिखना आपको, ये हो जाएगा एच बाई बी इंग्लिश में। कोई पूछेगा कोट थीटा, ये होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यानी कि पी बाई बी, समझ गए। तो इसके लिए ऊपर से आप लिखोगे, ठीक है ना, और अगर कोसेक सेक कोट की बात है तो नीचे से आप सोचोगे, या फिर इसका अपोजिट करके बोलोगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब इंग्लिश में देखो, सेम साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, ठीक है, सेम वही।
पी बी पी एच एच बी, इसका मतलब समझ गए ना। अब समझो यहाँ पर याद करोगे, पहले तो एस का मतलब सोना, सी से चांदी, टी से तोले, सोना चांदी तोले मतलब साइन कॉस टेन, और पी का मतलब पंडित, बी का मतलब बद्री, पी का मतलब प्रसाद, एच का मतलब हर, एच का मतलब हर, बी से बोले। अब ध्यान रखना इसके लिए साइन कॉस टेन के लिए सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है ना, इसका मतलब हो गया। दूसरे तरीके में कैसे याद करोगे, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा, बी से भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे याद कर लेना। अब देखो कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। साइन की बात होती है तो पी बाई एच आप लिखते हो, यहाँ पर लिखा गया। कोस की बात होती है तो बी बाई एच यहाँ पर लिखा गया। टेन की बात होती है तो पी बाई बी यहाँ पर लिखा गया। इसी प्रकार नीचे से देखो, कोसेक की बात होती है तो नीचे से एच बाई पी यहाँ पर लिखा गया। सेक की बात होती है तो एच बाई बी यहाँ पर लिखा गया। कोट की बात होती है तो बी बाई पी यहाँ पर लिखा गया। तो मैंने दोनों मीडियम में आपको ये शॉर्टकट ट्रिक समझाया है, अच्छे से याद कर लो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यही से हम जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के होंगे सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं और पाई चार्ट वैल्यू की जो शॉर्टकट ट्रिक है उसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, आप कमेंट में जो लिंक है देख सकते हो। लास्ट ईयर की भी वर्कशीट असेसमेंट मिल जाएगी, अच्छे से तैयार कर सकते हो, और कमेंट में आपको 2020-23 के भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको सैंपल पेपर, पेपर मिड टर्म पेपर, उसकी भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया ताकि ये स्टेप समझ में आए। साइन पी माइनस कोस क्यू बराबर जीरो हमको प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, साइन पी ये ट्राइंगल सीधा मैंने कर लिया है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो साइन पी, अब साइन पी की बात करेगा बच्चों, तो ये पी एंगल पर फोकस करो, इसके जस्ट सामने आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन पी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर देख लो साइन पी के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे। साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच लंब बटे कर्ण। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो, हिंदी में लिख लिया लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में पी बाई एच। अब पी पर फोकस करो, एंगल पी के अकॉर्डिंग जस्ट सामने वाली भुजा इसकी लंब होगी, ये क्या हो जाएगी लंब यानी कि पी, और ये आपका होगा बेस यानी कि आधार, और ये आपका होगा कर्ण यानी कि एच। ध्यान रखना, ये आपका लंब होगा, ये आपका कर्ण होगा, ये आपका आधार होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख दो, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका 9 और बटे कर्ण कितना है आपका 11, 9/11 इसकी वैल्यू रख दी गई। अब फिर से देखो ध्यान से, आगे कह रहा है कोस क्यू, अब क्यू पर आपको फोकस करना, सबसे पहले कोस का फॉर्मूला ध्यान में रखो, फिर से फॉर्मूले पर आ जाओ, फॉर्मूला देखो कोस के लिए क्या लगाते हो। यहाँ से याद करोगे तो आधार बटे कर्ण होता है, और यहाँ पर भी समझोगे तो आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बी बाई एच हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, इसके फॉर्मूले को लिखो ध्यान से, यहाँ पर हिंदी में मैंने लिख दिया आधार बटे कर्ण और इंग्लिश में बी बाई एच, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्यू की बात कर रहा है, तो अब क्यू से आप देखो ध्यान से, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, क्या हो जाएगी लंब यानी प्रपेंडिकुलर, ये आपका लंब हो गया, ये आपका बेस हो जाएगा यानी कि आधार हो जाएगा, और ये आपका एच यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो वैल्यू रखो बी अपॉन में एच, बी आपका आ गया 9 और एच यानी कि कर्ण आपका आ गया 11, 9/11 इसकी वैल्यू रख दी। अब वैल्यू कैसे रखी गई मैंने पूरा अच्छे समझाया, आप समझ गए होगे। आगे देखो, ये हम फिर से लिख लेते हैं, साइन पी माइनस कोस क्यू बराबर ज़ीरो, साइन पी की वैल्यू रख दो, क्या निकाला आपने 9/11 लिख दिया, माइनस पे माइनस कोस क्यू की वैल्यू निकाला 9/11 लिख दिया बराबर ज़ीरो के, और ये माइनस करोगे तो सेम है ज़ीरो आ जाएगा, 0/0 के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया यानी सत्यापित हो गया, ठीक है। तो यही आपको दिखाना था, इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो आंसर इजी लगेगा, नहीं समझोगे
तो आंसर डिफ़िकल्ट लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।